मनी गुरु, मैं हूँ स्वाति रायना। समाज ने अगर आपको कुछ दिया है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसे समाज को वापस भी करें। हम और आप अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसे होते तो हम भी समाज के लिए कुछ कर पाते, जबकि सच तो ये है कि समाज के खातिर कुछ करने के लिए आपको टाटा बिरला या अंबानी होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई रास्ते हैं जिनके जरिए आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे। जिनके मन में सवाल है कि अगर मेरे पास तो सीमित आय है, अगर मैं अपनी सीमित आय में से किसी की मदद करूंगा या करूंगी तो आखिरकार मेरी जरूरतों का क्या होगा, क्योंकि समाज के लिए किया गया योगदान भी एक निवेश ही माना जाता है जिसे हर किसी को करना चाहिए। तो क्या है वो रास्ते जिससे आप थोड़े से पैसे खर्च करके समाज के लिए बड़ा काम कर सकते हैं, यही समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हर्ष रूंगटा। सर, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के इस बेहद ही खास एपिसोड में। कहते हैं चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम। हम लोग हमेशा कई बार ये सोचते हैं कि किसी के लिए क्यों ना कुछ किया जाए, सोच जाती है कि चलिए किसी एनजीओ में बच्चों की मदद की जाए, अनाथ बच्चों की मदद की जाए, या फिर बुजुर्गों की मदद की जाए, या फिर उन औरतों की मदद की जाए जिनका शायद कोई ना हो। ये हमारे मन में जरूर ऐसे सवाल उठते हैं। आखिरकार इतना जरूरी क्यों बताया गया है कि सोशल गुड कॉज के लिए हमें थोड़ा बहुत अपनी सीमित आय में से खर्च करने की जरूरत है? खैर, ये प्रूवन फैक्ट है कि आदमी, हर आदमी एक सोशल एनिमल होता है इंसान, और वो चाहता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरों पे पड़े। अगर वो उसके पास ज्यादा धन दौलत है तो उसका जो इम्पैक्ट वो करना चाहे तो बहुत ज्यादा हो सकता है शायद, लेकिन उसका रिवर्स ट्रू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास आय नहीं है ज्यादा तो आप इम्पैक्ट नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा, और जो सोशल गुड की जो बात है कि मुझे समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करना है, तो ये अपनी अपनी एक नजरिया है कि कहां किस तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है करने से। और जैसी कहावत आपने कही कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अगर हम अपने ही आसपास में देखें, अपने ही परिवेश में देखें, तो हमारे घर में शायद घर का काम करने वाले नौकर या नौकरानी होती हैं, हमारी बिल्डिंग में वॉचमैन होता है, कोई गार्डनर अगर सोसाइटी में है, आपका ड्राइवर अगर है, और कोई आपकी सपोर्ट स्टाफ है, धोबी है, और भी कई लोग होते हैं, मिल्कमैन है, कई लोग होते हैं जिनकी वजह से आपकी जिंदगी सुचारू रूप से चलती है। और इनको हम लोग इनविजिबल पीपल मानते हैं, लेकिन उनकी वजह से आपकी जिंदगी चलती है, वो पता जब चलता है जब वो नहीं होते। तो क्यों ना जो भी हमको करना हो वो इनके लिए करें, ये एक सोच उनकी हो सकती है। डेफिनेटली सोच को तो हमने समझ लिया है कि क्यों हम मनी गुरु में आखिरकार सोशल गुड कॉज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हम कमाते हैं, जो हम अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उनको दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए और दूसरों को उसके जरिए कैसे फाइनेंशियली लिटरेट किया जाए, ये आज हम समझना चाह रहे हैं अपने इस खास पेशकश के जरिए। इनफैक्ट हर्ष जी, कई लोग ऐसा इनफैक्ट कहते भी हैं कि मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है, मैं तो लखपति या करोड़पति नहीं हूं, आखिरकार मैं मदद कैसे करूं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में भी हाउस हेल्प्स होते हैं, घर में जो काम करने आते हैं, हमारे इर्द-गिर्द कई ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है, जैसा आपने राइटली पॉइंट आउट किया था कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको शायद घर पे किसी ना किसी वजह से जरूरत होगी। तो आखिरकार, क्योंकि सवाल यही होता है कि ज्यादा पैसे खर्च ना करें, अगर सीमित पैसों में ही अगर समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए तो वो कैसे किया जा सकता है, फाइनेंशियली से प्लान कैसे करें? तो आज हम कार्यक्रम में इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम आसपास में देखें, तो जैसे अगर हमारा सर्वेंट है या वॉचमैन है, क्या उसका अकाउंट खुला हुआ है, क्या उसका बैंक में अकाउंट है? अगर नहीं है तो क्या हम उसकी सहायता कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के तहत बिना बैलेंस का अकाउंट खुलवा सकते हैं? हो सकता है हमको उसके साथ बैंक में जाना पड़े, क्योंकि बैंक में जाने से शायद वो घबराए इतना बड़ा ब्रांच देख के। उस बैंक में जाकर फिर जो सुरक्षा बीमा योजना है उसके 12 रुपए लगते हैं, साल के 12 रुपए में उसका अगर एक्सीडेंट के वजह से डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट के वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख रुपए की बीमा राशि उसके परिवार को या उसको मिलती है। 330 रुपए में, महज 330 रुपए सालाना में आप उसके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं, चाहे
कोई भी कारण से डेथ हो जाए तो वो उसको 2 लाख रुपए उसके परिवार को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ इंश्योरेंस। कई नेशनलाइज बैंकों ने टाई अप कर रखे हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। एक पर्टिकुलर जो अच्छा इंश्योरेंस पैकेज है वो बैंक ऑफ बड़ौदा वालों का है। अगर आपके आसपास उनका कोई ब्रांच है तो वहां जाकर आप इन लोगों के अकाउंट खुलवाइए। उसके थ्रू 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनके 4 परिवारजनों को, 2 मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 4 जनों का 1 लाख का इंश्योरेंस 1800 रुपए में मिलेगा। तो आप ये सारे पैसे गिन लीजिए, 1800 रुपए, 330 रुपए, 12 रुपए, ये हो गए करीबन 2100 रुपए या 2200 रुपए प्रति माह। 200 रुपए से भी कम, 200 रुपए प्रति माह खर्च करने से आप अपने जिन लोगों ने, जो लोग आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में इतना योगदान देते हैं, उनको आप कितनी बड़ी सिक्योरिटी दे सकते हैं। सेकंड, वो जो आपने अकाउंट खुलवाए हैं, हो सके तो पेमेंट उसमें आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली करिए। अगर सारे आप जैसे लोग जो उनको पैसे देते हैं, सब लोग बैंक में पैसा जमा कराएंगे जी। उसकी इनकम जो अभी तक वो कैश में ले रहा था बैंक अकाउंट में आने लग जाएगी। फ्यूचर में जब कभी उसे लोन लेना होगा तो इनकम प्रूव करने में उसको आसानी होगी। तो एक एक तरीके से आप आस पास में जो आपके लोग हैं, जो आपकी जिंदगी को अच्छा बना रहे हैं, उसको बहुत ही कम कॉस्ट में आप उसकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं और उसको सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही एक्चुअली गुड आपने एक तरीका बताया कि कैसे हम आसपास अपने जो जितने भी लोग हैं, हाउस हेल्प हैं या आपके बिल्डिंग में कोई वॉचमैन है, उनकी जिंदगी को सुधार सकते हैं। क्योंकि जब वो खुश रहते हैं, आपके साथ काम करने वाले खुश रहते हैं, तो नेचुरली आपकी भी जिंदगी काफी आसान हो जाती है। इसके साथ ही ये मैं समझना चाह रही हूं हर्ष जी कि हम उनकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन मदद कब तक की जाए? क्योंकि आफ्टर ऑल उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना भी जरूरी है, उनको फाइनेंशियली लिटरेट करना भी जरूरी है। तो क्या इसका कोई टाइम पीरियड होना चाहिए कि किसी की अगर हम मदद कर रहे हैं तो किस तारीख तक या किस वक्त तक या किस स्टेज तक उसकी मदद की जाए, जब तक वो खुद इसके काबिल हो जाए कि वो खुद अपनी मदद कर पाए? तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको इस काबिल आप बना दें तो जब उसकी सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके बच्चों का एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके थ्रू सारा का सारा परिवार जो है पॉवर्टी से ऊपर की लाइन में आ जाता है सुरक्षा कवच देने के बाद। ये सुरक्षा कवच आपने उसको दे दिया, फिर अगर आप एजुकेशन में कंट्रीब्यूट अगर कर सकते हैं, उसके थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है जो आप अब यूज नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ डेट हो गया, चल रहा है बट आउट ऑफ डेट हो गया, आपने अपडेट कर लिया, उस लैपटॉप का आपको मिलेगा कुछ नहीं, आप बेचने जाएंगे 500-1000 रुपए भी नहीं मिलेंगे आपको एक्सचेंज में। उसको एक्सचेंज में देने के बजाय क्यों नहीं आप अपने उनको दे दीजिए, उनके बच्चों के दिमाग खुल जाएंगे, देयर लाइफ, उनकी लाइफ जो है वो बदल जाती है। उनकी जो स्कूल की फीस है, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, जितना आपकी पॉकेट को अफोर्ड आप कर सकते हैं आप दे सकते हैं। ना सिर्फ किसी रकम के जरिए बल्कि सामान के जरिए भी आप मदद कर सकते हैं। पुरानी आपकी जो किताबें होती हैं, आपने तो स्कूल पास आउट कर लिया है, आपके बच्चों ने वही बच्चों वो उन्हीं किताबों से आप जो अपने हाउस हेल्प या इर्द-गिर्द लोगों की मदद कर सकते हैं, ना सिर्फ किसी पैसे रकम से बल्कि कुछ सामान से भी। इनफैक्ट इंश्योरेंस की आपने काफी डिटेल में बात की हर्ष जी, आपके जो इर्द-गिर्द लोग हैं, हाउस हेल्प्स हो गए या आसपास इर्द-गिर्द काम करने वाले जरूरतमंद लोग हैं, बुढ़ापा भी उनका आसानी से कटे, क्योंकि आजकल हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बहुत ज्यादा बात करते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ अगर उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग का भी अगर इंतजाम किया जाए तो किस तरीके से उसकी भी प्लानिंग की जा सकती है और उनको और ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट किया जा सकता है? तो ये कई लोग आजकल कर रहे हैं जो थोड़े से समझते हैं इस बात को। ये सारी चीज आपको करनी है जो भी आपने उसके साथ सैलरी नेगोशिएट करी है उसके अलावा, क्योंकि अगर आप उसकी सैलरी में से काट के करेंगे तो फिर वो नेचुरली उसको रेजिस्टेंस होगा। लेकिन सैलरी के अलावा अगर आप कर सकते हैं कि मैं आपके लिए 200 रुपए 500 रुपए प्रति माह यहां जमा कराऊंगा, आज 2 स्कीम्स हैं, एनपीएस लाइट है,
अटल पेंशन योजना है, जो सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन स्कीम्स हैं, थोड़ी कंबरसम है दोनों स्कीम्स, रिटर्न्स भी इतने उसमें अच्छे नहीं होते। आज की तारीख में अगर उसका म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में खास करके आप छोटा सा सिप चालू कर दीजिए, 500 रुपए के सिप, कई म्यूचुअल फंड्स तो 250 के भी सिप लेते हैं, लेकिन समझिए 500 भी मिनिमम है, आप 500 करिए, उसको भी प्रोत्साहित करिए कि वो भी उसको मैच करे, उससे कहिए कि आप अगर 500 डालोगे तो मैं 500 और डाल दूंगा, इस तरीके से अगर उसके 1000 रुपए वो प्रतिमाह लंबे समय तक बचाता है तो एक उसका बुढ़ापे में उसको वो पैसे काम आते हैं, सेकेंड उसको एक लर्निंग हो रही है किस तरीके से कठिन परिस्थिति में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट साइड सेट असाइड करने का। तो ये एक आदत डलवानी बहुत जरूरी है। आज भी वो करते हैं लेकिन वो टिपिकली चिट फंड्स वगैरह में पैसा डाल देते हैं, वही पैसा लंबे समय के लिए जहां पे एक रेगुलर जगह है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, चाहे एनपीएस लाइट हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, या मेरा रिकमेंडेशन चाहे म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, उनको इसमें अवगत कराएं। हो सकता है थोड़े दिन के बाद आपका पैसे की जरूरत ही ना हो, खुद ही अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट करता रहेगा। वाकई आपने एक्चुअली एक आपके पॉइंट पर ही मैं सवाल जानना चाहूंगी। आपने कहा कि अगर वो एसआईपी हर महीने करे, क्योंकि एक रिजर्वेशन भी होती है, अगर ज्यादा लिटरेट नहीं है तो एसआईपी से कैसे शुरुआत करें। डेफिनेटली फाइनेंशियल लिटरेट तो उन्हें किया जा सकता है, लेकिन एक सोशली जो एक स्टिग्मा भी है, या ये कह सकते हैं मन में ये डर बना रहता है कि मैंने पैसे तो डाले हैं क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, जब उन्हें बताया जाएगा कि मार्केट के उथल पुथल से भी इसमें फर्क पड़ सकता है, क्या वो वाकई वो इसमें पैसा डालेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा अगर ये पैसा आप शुरू में डालें जी, तो वो पैसा उसका तो है ही नहीं, आप तो उसको ऊपर से दे रहे हैं, आप उसकी सैलरी में से डालेंगे तो ये सारे सवाल उसके आएंगे, आप सैलरी के ऊपर से डाल रहे हैं या उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, अगर तू 200 डालेगे तो मैं भी 200 डालूंगा, अगर ऐसे कर रहे हैं तो एक इट इज अ कॉम्बिनेशन। तो उसको जो वो अपना जो एक रिजर्वेशन होता है कि क्या हो रहा है, वो रिजर्वेशन कम हो जाता है, और अगर वो रिजर्वेशन है तो आप अटल पेंशन योजना में डालिए, उसमें फिक्स रिटर्न है, कम रिटर्न है, सरकार की स्कीम है, फिक्स रिटर्न है, उसमें डालिए। मोर इंपॉर्टेंट देन द इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक फिक्स्ड अमाउंट हर माह बचाना और उसको इन्वेस्ट करना, ये आदत उसमें डालना, और ये हो सकता है ये प्रूव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हैबिट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्वांटम से, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के क्वांटम से हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाकई हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम पैसों में बड़ी समाज सेवा कैसे कर सकते हैं ये भी हम और जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी ग्रो।